दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपके मन में बहुत बड़ा सवाल चलता है हमेशा कि सर हमारी नियुक्ति नहीं हुई, क्या मैं कार्ड बनवा सकता हूं? आज मैं इसके ऊपर बता रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, जो लोग मौजूद समय में ग्राम प्रहरी हैं उनके पद पर ग्राम प्रहरी लिखा होगा, आपके पद पर सदस्य लिखा होगा, बस इतना ही अंतर होगा। कार्ड आप बनवा सकते हैं। इस कार्ड का ग्राम प्रहरी के अलावा भी पर्सनल लाइफ में भी आपका फायदा होगा, आप इस बात को मान लीजिए। हाँ, जैसे जिन लोगों की नियुक्ति नहीं हुई है तो एक कार्ड मत भेजिए, कम से कम 4-5 कार्ड एक साथ भेजिए, क्योंकि आपका जो कार्ड है उसका कलर भी अलग होगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इस विभाग में लगे हुए हैं, तो इसलिए इनको पुलिस का थंबनेल दिया गया है, लोगो दिया गया है। आप वाले में नहीं दे सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपराध है। आपका रहेगा वो थोड़े अलग कलर का रहेगा, बट आप हमारे संस्था और संगठन के मेंबर होंगे, आपकी पर्सनल चीजों में कभी कोई दिक्कत समस्या खड़ी होती तो आपके लिए संगठन लड़ेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आप आराम से सदस्यता ले सकते हैं, आराम से अपना कहीं भी अगर आप जाते भी हैं तो उस आईडी की मान्यता होगी। ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं होगी, मान्यता होगी। जैसे आप आधार वगैरह दिखाते इसी तरह से आप उसको दिखा करके आप अपना एड्रेस और पहचान पत्र तरीके से बनवा सकते हैं, तो इसमें फिलहाल आपको शक नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई। मैंने एक वीडियो डाला था ना कि आज मेरे कुछ भाइयों ने मुझे फोन भी किए, मैसेज भी आ रहे हैं। कई ऐसे भाई हमारे, जब से वो संभल वाले भाई हमारे आए थे, उसके अलावा कई ऐसे हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि अनु भैया आपकी वजह से आज मैं बेगारी से मुक्त हूं। एक जिला नहीं, कई जिलों में कई थानों में ऐसा हुआ है, और मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि यार सक्रिय होकर के कहीं मैं जिले में स्तर पर उतर के काम करूंगा तो संभवतः पूरा जिला ही बेगारी से मुक्त होगा। कई भाई मैसेज किए, बोले कि भैया मुझे मिलना है आपसे। मेरे भाई अभी बिल्कुल भी समय नहीं मैं मेरे पास मिल पा रहा, इसलिए मैं मजबूर हूं, मैं इसलिए आपसे अभी नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत जल्दी मुलाकात आपसे हमारी होगी। बस थोड़ा सा हम भी काम धंधे में फंसे पड़े हैं, यहां से क्लियर हो जाता है फिर हमारी आपकी बढ़िया से मुलाकात, क्योंकि भीड़ में तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, बात नहीं हो पाती, लेकिन जब सामने बैठते। अब का चक्कर क्या है कि देखिए पर्सनल भाई जब भी किसी से भी मिलूंगा जो हमारा कार्ड धारक है और प्लस आइडेंटिफाई उसकी होगी उसी से मिलूंगा, क्योंकि इस जमाने और इस दुनिया वालों पर इतना विश्वास और भरोसा नहीं है। कौन आदमी कैसा है क्या है, आज के लोग जान ही रहे उल्टा सीधा लोग होते हैं, तो वो सब चीजों पर हमें ज्यादा वो नहीं करना है, क्योंकि मैं कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता हूं जिससे आगे कोई बड़ी दिक्कतें खड़ी हों। इसलिए कुछ अपनी भी प्राइवेसी है, प्राइवेट तौर पर उसे हम नहीं शेयर कर सकते। मुलाकात होगी आप लोगों से, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको अगर आप आ रहे हो लखनऊ या आए हो लखनऊ कहीं से भी अगर मिलना होगा तो आप हेमंत कुमार से संपर्क कर सकते हो, शिषपाल से कर सकते हो, हमारे जो भी टीम मेंबर उनसे संपर्क कर लीजिए, पूरी आइडेंटिफाई करवा दीजिए आप कहाँ से हैं क्या हैं, पूरा वो आपसे जो भी पूछेंगे आप बता दीजिए, उसके बाद आपको मैं जरूर बुला लूंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि सब मेरे भाई हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि मैं हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया हूं, तो जाहिर सी बात है कि दोस्त से ज्यादा दुश्मन भी बनते हैं, तो अपनी एक प्राइवेसी को भी देखना है, तो उसके लिए बुरा ना मानिएगा। आप अगर मिलना चाहते हो तो जरूर मिलूंगा, आप हमारे भाई हो, बंधु, हम हमेशा सबसे मिलते हैं और बिल्कुल आम जनता की तरह हम है क्या यार, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, मैं 0 बटा सन्नाटा, बस ये आप लोगों से मिलता हूं तो मेरा भी दिल गदगद हो जाता है, मुझे बड़ा गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जब आते हो इधर तो मेरा पूरा दिन ही अच्छा होता है, तो इसलिए मैं गर्व करता हूं कि मैं बीसी विभाग की आवाज उठा रहा हूं, और शायद ऊपर वाले ने इसीलिए मुझे यहां तक पहुंचाया भी और बनाया भी है। और इधर आप हाल में देख रहे हो कि मुख्तार अंसारी वाला जो कांड हुआ है, कहीं ना कहीं एक चीज तो थोड़ा गड़बड़ मुझे लगी, जो कि मुझे लगता है कि कोर्ट और सरकार को नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि जो उनका बेटा मिलना चाहता था अपने अंतिम समय अपने पिता से, लेकिन ना कोर्ट ने ना सरकार ने इजाजत नहीं दी। अरे कितना बड़ा अपराधी हो, एक बार अंतिम समय में एक दर्शन तो करा देना था, कम से कम हथकड़ी पहना करके ही दूर से दिखा देना था, लेकिन ये इंसानियत को तार तार कर दिया। बड़े मैं मानता हूं कि वो अपराधी था, अपराध है, उनको सजा जो हुआ होगा जैसा भी है उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस कहीं ना कहीं एक इंसानियत जो तार तार हो रही है, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इस पर पूरा वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।